हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी रोजगार विनंकित चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ग्रामीण परिवेश जो हम लेखपाल के लिए पढ़ रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम कराएगा इस बार, और वीडियो में किस तरह से पूछा था यूपी ट्रिपल एससी ने, क्योंकि लेखपाल को पहली बार यूपी ट्रिपल एससी कराएगा, लेकिन वीडियो का ऑलरेडी यूपी ट्रिपल एससी करवा चुका है, तो उससे उसने वीडियो में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं उस तरह के क्वेश्चंस के पैटर्न पर ये लेके आए हैं हम आप लोगों के लिए ये वीडियो। और दोस्तों, इस वीडियो को मैं दूसरी ही वीडियो दे रहा हूँ ग्रामीण परिवेश में। एक वीडियो भूमि पैमाइश की दी है, जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। उम्मीद है इस वीडियो को उससे ज़्यादा प्यार मिलेगा, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कृषि। कृषि है मतलब जो ग्रामीण लोग, अगर कोई गांव का आदमी आपको इसको पढ़ाने वाला लग जाए जिसने खुद खेती कर रखी हो, तो समझ लो आपको कितना अच्छे से समझ में आने वाला है। चीज़ों को बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए सारी फसलों को कौन कैसे, रबी जायद गर्मा सारी तो मैं आपको ये बता दूंगा, भाई ये ऐसे ऐसे बोई जाती है और ऐसे ऐसे रट सकते हो, क्योंकि हम किसान के बच्चे हैं ज़्यादातर जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो सब लोग ज़्यादातर आप में से 90% फसलों से जुड़े हुए होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत आसान लगने वाला है। सबसे बड़ी बात कि जो भी मैं ग्रामीण परिवेश में पढ़ाऊंगा उसका PDF, यानी जो भी आज पढ़ाऊंगा आपको PDF टेलीग्राम चैनल रोजगार विदंकित सर्च करिएगा, उस पर मिल जाएगी। उसमें जो भी इस चैनल से की PDF होती है सीधे टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। ठीक है, वही एक माध्यम है आप लोगों से जुड़ने का। तो दोस्तों, 25 मार्क्स का आएगा लेखपाल में ये, और खेती कोई छोटा बड़ा टॉपिक नहीं है। किसान पूरी जिंदगी लगा रहता है और फिर भी नहीं समझ पाता कि मेरी फसल में ये कीड़ा क्यों लग गया इस बार। ठीक है, तो भाई ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, पूरी जिंदगी सीखता ही रहता है वो फसलों में से। ठीक है, ये फसल क्यों नहीं बोनी चाहिए, इसके बाद कौन सी फसल बोनी चाहिए जो ज़्यादा पैदावार मिले, तो उसके सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे, सारी बातें। ठीक है, जो किसान लोग हैं वो भी सीख सकते हैं, क्योंकि देखो उनके काम की भी बहुत सारी बातें। और आप किसान के बेटे हो, नौकरी नया लगी तो कम से कम ये वीडियो तब याद आएगी आपको, क्योंकि वहां भी काम आ सकती है व्यवहारिक जीवन में। चलिए, देसी टॉपिक देसी पढ़ाई, क्योंकि देसी आदमी है आपको पढ़ाने वाला, क्यों मैं, एग्रीकल्चर कृषि। ठीक है, ये सब जानते होंगे आप, विद PDF मिलेगी मिलेगी। अब मैं आगे बढ़ जाता हूं, बहुत बात कर ली। तो दोस्तों, पहले तो कृषि से संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको बहुत अच्छे से अपने जहन में उतार लीजिएगा, क्योंकि जो फैक्ट्स होते हैं वो हमेशा रटने ही पड़ते हैं। उनमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना कम कर सकता हूँ, ना ज़्यादा कर सकता हूँ, सीधे सीधे रटने पड़ेंगे। तो भारत में प्रथम विश्वविद्यालय, सॉरी ये मैंने जो है यहाँ छूट गया है, प्रथम विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी कहिए, विश्वविद्यालय ऐसे लिख लेना भाई, प्रथम विश्वविद्यालय नवंबर 1960 में पंतनगर, वर्तमान में ये पंतनगर जो जगह है कहाँ पर, उत्तराखंड में चली गई है। ठीक है, में खोला गया था। अब खेती का विश्वविद्यालय भी खुला, हाँ बिल्कुल, तभी तो देखिए BSc भी होती है एग्रीकल्चर से, आपको मालूम होगा। ठीक है, तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ है खेती, आप 10-20 किताब भी बना सकते हो इसके ऊपर, इतनी तगड़ी चीज़ है। पर उन 10-20 किताबों को ना पढ़ के और उनमें से जो क्रीम क्रीम है वही तो छांट के यहाँ लिखी है। तो वर्तमान में 71 कृषि विश्वविद्यालय हैं, ये भी आपको जानकारी रखनी है, भारत के अंदर कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं वर्तमान में, ये आपके लिए एक फैक्ट है। भारत की 54.6% आबादी, याद रखना कि भारत की आबादी 130 करोड़ है, उसमें से आधी से ज़्यादा लोग तो खेती या खेती से संबंधित कामों में लगे हुए हैं। खेती से संबंधित काम कैसे, देखिए खेती हो गई, अब खेती में यूज होगा ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर के पार्ट्स बनाने वाला काम जो भी होगा, या कोई भी ऐसी चीज़ जो खेतों में काम आती हो, तो उससे संबंधित चीज़ों पर निर्भर हैं। केवल यही नहीं, फसलों पे ही, किसानों की तरह ही नहीं, ट्रैक्टर बनाने वाले भी, ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी, उसमें कामगार, वो सब तो कृषि पर ही निर्भर हो गए ना एक तरह से। इसलिए उन सबको मिला के 54.6% आबादी देश की कृषि पर डिपेंड करती है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो अगली लाइन में आएगी कि देखिए हमारी कृषि की या हमारे देश की दयनीय हालत आपको इसमें समझ में आ जाएगी, कि भारत की GDP में कृषि का मात्र 17.4% हिस्सा है। मतलब
भारत के पास, अगर भारत 100 रुपया कमा रहा है, हमारा देश 100 रुपया में से 17 रुपया मात्र कृषि में है, 17 रुपया मात्र। और लोग कितने लगे हुए हैं, मान लो 100 लोग हैं, 100 रुपया कमाते हैं, लेकिन लोग लगे हुए हैं 100 में से 54, और 54 लोगों में 17 रुपया बढ़ रहा है, समझ रहे हो ना। और बाकी के जो 46 लोग बचे उनमें 83 रुपया बढ़ रहा है। तो इसका मतलब जो कृषि में लगे हुए लोग हैं ना, वो बहुत कम संपन्न लोग मिलेंगे। इसीलिए किसान आत्महत्या करता है, क्योंकि इस पर जब किसी को रोजगार नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है, चलो खेतों को ही देख लें, अपने नहीं है तो दूसरे के में ही काम कर लें, इसलिए तो ये ऐसा हाल है। इससे पता चल जाती है, जब इतनी आबादी लग रही थी तो कम से कम इतना हिस्सा तो होना ही चाहिए था, या इतनी आबादी काम, इतनी आबादी का जितना पैसा उसमें, इससे ज्यादा लग रही है तो इसका मतलब ज्यादा ही लग रहे हैं लोग। ठीक है, चलिए, बात तो मैंने आपको वैसे समझा दी, अब आपको याद भी रहेगा ये फैक्ट। कृषि राज्य सूची का विषय है, कृषि राज्य सूची का विषय, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो दोस्तों, कृषि पर जो भी काम, जो भी योजनाएं, जो भी सरकार टैक्स या कुछ भी टैक्स तो लगता ही नहीं, हालांकि कृषि की कमाई पे तो, पर जो भी कुछ है कृषि से संबंधित योजनाएं, वो राज्य सरकार पर ही डिपेंड है। जैसे पुलिस राज्य सूची का विषय है, ऐसे ही कृषि भी राज्य सूची का विषय है। अर्थात किसान आत्महत्या करता है तो पहले राज्य सरकार जिम्मेदार है बजाय केंद्र सरकार के। ठीक है, बात समझ में आती है कि नहीं। लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा सिफारिश भी हुई, उसके बाद आ रहा हूँ मैं आगे। तो सिफारिश भी हुई थी जो राष्ट्रीय कृषक आयोग ने की थी, कि इसको समवर्ती सूची का विषय बना दो। आपको पता है ना, 7वीं अनुसूची हमारी, उसमें विषय हैं केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियां हैं, उनमें अलग अलग विषय हैं। तो राज्य सूची का विषय कृषि है। अब सिफारिश हुई थी, राष्ट्रीय कृषक आयोग ने सिफारिश की थी कि भाई इसको समवर्ती सूची का विषय बना दो। समवर्ती सूची क्या होती है, जिस पर केंद्र भी कानून बना सके, राज्य भी, केंद्र को जो अच्छी बात लगे केंद्र भी शामिल कर ले, और राज्य को जो अच्छी बात लगे राज्य भी शामिल कर ले। लेकिन ये बात मानी नहीं गई और अभी भी राज्य सूची का ही विषय है, याद रखेंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2004 में कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, 11वीं, उसमें राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना हुई थी। बिल्कुल आपको याद रखनी है ये बात। आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग, बिल्कुल बढ़ सकते हैं जी। राष्ट्रीय कृषक नीति 2007 में बनी थी, राष्ट्रीय कृषक नीति, और ये हमने क्या पढ़ी, राष्ट्रीय कृषक आयोग। ये कृषक आयोग, और इस आयोग ने बनाई फिर नीति 2007 में। ठीक है, किसानों से कैसे उद्धार कर सकते हो आप, उस नीति में ये था। अब आगे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR शॉर्ट फॉर्म, इसका फुल फॉर्म ये है, 1929 में बनी थी। 1929 में क्या, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और देखिए, अनुसंधान मतलब कृषि से संबंधित रिसर्चेज होंगी, वो तो बहुत पहले ही हो गई थी अंग्रेजों के टाइम में। ठीक है, लेकिन मुख्य कार्य जो इसका है, उन्नत कृषि, मतलब उन्नत तरह के बीज बनाओ, कहते हैं ना ये बीज हाइब्रिड का, ये वो सब, उन्नत कृषि का बीज, ठीक है, उन्नत कृषि और पशुपालन का प्रबंधन, मतलब पशुपालन से भी सारी बात यही देखेगी, क्योंकि गांव के लोगों का दो ही तो मेन व्यवसाय है, कृषि और पशुपालन। ठीक है, खेती नहीं है तो बेचारा भैंस पाल लेता है, दूध बेचता है, और क्या करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड मतलब KCC, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि शुरुआत में 1999, मतलब इसकी शुरुआत 1999 2000 में की गई थी, जिसकी वैधता 3 वर्ष रहती है। इसकी डिटेल कभी आगे भी बताएंगे, अभी तो फिलहाल इतना ही फैक्ट्स में पढ़ सकते हो, कि कितना ब्याज होता है, कैसे लौटाना पड़ता है, वो तो आगे करंट में भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसके। ठीक है, आगे अब हम देखिए, कृषि के बारे में जान लिया, फैक्ट्स जान लिया, फसल के बारे में जानते हैं। जब कृषि का मतलब है फसल ही, एक प्रकार से फसल ही नहीं तो कृषि का है कि, चलिए तो वही बात समझाते हैं अब आपको। तो दोस्तों, जब कृषि की बात करेंगे तो फसल की बात होगी, फसल मतलब क्रॉप। फसलों का अध्ययन किसमें किया जाता है, ये आपको, देखिए एग्रीकल्चर सबको पता है, कृषि के लिए बोलते हैं, लेकिन एग्रोनॉमी ये बहुत कम लोग जानते होंगे, रट लीजिएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर से ही बना एग्रो, एग्रो तो याद रख लेना, एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर से आया, तो इसमें फसल है। ठीक है, क्योंकि एग्रो एग्रीकल्चर खेती में, नॉमी नॉमी मतलब नाम, नाम भी दे दिया जाता है, तो ऐसे मतलब कुछ ट्रिक बना के याद रख सकते हो, क्योंकि फसलों के तो नाम होते हैं अलग अलग, तो एग्रोनॉमी। चलिए,
एक विशेष क्षेत्र में एक निश्चित अवधि के लिए एक ही तरह के पौधे फसल कहलाते हैं। देखिए फसल की परिभाषा बताइए, कितनी अच्छी बात है कि हमें ये तो पता होना चाहिए फसल किसे कहते हैं। हम खूब जानते हैं, लगभग दिन में 10-20 बार किसान का बच्चा बोल देता होगा फसल ऐसी हो रही है, फसल वैसी हो रही है, फसल बेकार हो जाएगी, ये कर देगी वो कर देगी। तो वही चीज़ बता रहा है कि ये फसल होती क्या है। अगर आपसे कोई परिभाषा पूछने लगे ना, आप बता नहीं पाओगे फसल वो होती है। अब मान लो मैंने यहाँ पर अपने पुदीना के पुदीना बो दिया, क्या वो फसल है? या यहाँ 2-4 गेहूं के पेड़ उगाए, क्या वो फसल है? नहीं। तो वही तो बता रहा है ये कि एक विशेष क्षेत्र में, कोई विशेष क्षेत्र जो हमने फिक्स किया है उसमें एक निश्चित अवधि के लिए, मतलब जितना उस फसल के लिए टाइम है, कोई 3 महीने में, कोई 4 महीने में, 4 महीने के लिए हम इस विशेष क्षेत्र में एक ही तरह के पौधे बो देते हैं, वही तो फसल है। बिल्कुल वही फसल है, यही फसल कहलाती है। ठीक है, चलिए, बहुत सही। भारत में फसली वर्ष कब मनाया जाता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो इसको याद रखना। हालांकि हमारा जो वित्त वर्ष है वो तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, लेकिन ये जो है रिजर्व बैंक वर्ष की तरह याद रख सकते हो, वो भी 1 जुलाई से 30 जून ही होता है। चलिए, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। भारत की सबसे बड़ी खाद्य फसल, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे बड़ी खाद्य फसल चावल है। सबसे ज़्यादा जो खाई जाती हो, खाने के लिए बोई जाती हो, वो चावल है भारत के अंदर। और देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, संसार में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर अगर कोई फसल उगाई जाती है तो वो चावल या धान ही है। चावल कहिए या धान कहिए, हमारे यहां तो मूंजी बोलते हैं, मूंजी, ठीक है, तो धान, धान कह दो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि फसल तो धान है, चावल तो उससे निकाला जाता है। चलिए ठीक है, आगे बात कर देते हैं दोस्तों। अब कृषि, देखिए मैंने आपको फसल से संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बता दिए जो पूछे जा सकते हैं। आगे कृषि या फसलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है, वो तो फैक्ट्स थे, याद करने हैं आपको। लिखने की चिंता मत करो, पूरा का पूरा नोट्स आपकी कॉपी में अपने आप उतर जाएगा। रोजगार विद अंकित चैनल सर्च मानना। और देखिए टेलीग्राम में बता देता हूँ कि आप टेलीग्राम पर जाओगे, टेलीग्राम हो सकता है बहुत लोग नहीं जानते हो, तो प्ले स्टोर से सबसे पहले टेलीग्राम डाउनलोड करो। आपका नाम वाम पूछेगा, मोबाइल नंबर डलवाएगा, वो बात अलग है, लॉगिन हो गए आप, उसमें ऊपर सर्च का गोल सा वो आता ऐसा जो करके, वो सर्च का उस पर मारना रोजगार, ROJGAR रोजगार विद अंकित लिख देना, तो आपको एक चैनल मिल जाएगा जहां पर आपके 21,000 बच्चे और इंतजार कर रहे होंगे आपका, आ जाओ। ठीक है, तो वहां पर फिर आप ज्वाइन हो जाना, ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, फिर आपको, फिर तो आपको जो पहली भी डली हुई है ना अब तक की PDF सारी मिल जाएंगी। चलिए, ये तो मिलेगी ही मिलेगी। तो कृषि फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, महत्वपूर्ण शब्दावली देखिएगा जरा, फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। फसल चक्र को क्या बोलते हैं? क्रॉप रोटेशन। तो फसल का चक्र, रोटेशन का मतलब होता है कि चीजों को बदलना, 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 तो चक्र बना देना बदल बदल कर। तो वही तो बात है, देखिए यही परिभाषा लिखी है कि देखिए कई बार किसान क्या होता है कि अपने खेतों में कि मूंजी बो दी, मतलब चावल बो दिया, फिर गेहूं बो दिया, फिर चावल, फिर गेहूं, फिर चावल, फिर गेहूं, और कई तो होश ही नहीं लेने दे रहे, बीच में और बो देते हैं कुछ नकदी की फसल। ठीक है, खेत को ही होश नहीं लेने देते, होश लेना भी जरूरी है खेत का, नहीं तो वो धीरे धीरे उसकी उर्वरता कम हो जाती है। थोड़े दिन खाली भी छोड़ना चाहिए खेत, चलो खेत को खाली नहीं छोड़ रहे, अगर खाली नहीं छोड़ना चाहते तो फसल कुछ ऐसी बो ताकि उसकी उर्वरकता बनी रहे। तो अभी मैं आपको इसको समझा देता हूँ और फिर बताऊंगा कैसे बोनी है। एक निश्चित अवधि के दौरान फसलों को इस प्रकार बोना, निश्चित अवधि के दौरान, ये 1 साल में या जो भी है 6 महीने में, इस तरह से बोना कि मिट्टी की उर्वरकता बनी रहे। अब मान ली, देखिए हर चीज़ के एक लिमिटेड सोर्सेज हैं जमीन में। अब आपने गेहूं चावल, गेहूं चावल, तो जो गेहूं चावल को चाहिए ना जमीन में, वो तो उसने फसल लेती रहेगी, लेती रहेगी, तो उस चीज़ को ख़त्म करता रहेगा, होश मिला नहीं खेत को, तो इसका मतलब फिर फसल धीरे धीरे कमजोर होनी शुरू हो जाएगी और खेत में बिल्कुल जान नहीं बचेगी। फिर कई गोबर का खाद डाल देते हैं, यूरिया, डाई, पता नहीं क्या क्या मारते रहते हैं, उर्वरक मारते रहते हैं। अरे भाई, खेत को इतना स्ट्रांग बना दिया ना आपने, आपको किसी उर्वरक को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उर्वरक किस लिए लगाए जाते हैं? ताकि खेत की जो
चीज़ें कम हुई हैं इसमें, वो बढ़ाई जाती रहे बढ़ाई जाती रहे। मिट्टी में जो चीज़ नहीं मिल रही फसल को, वो हम अप्राकृतिक रूप से उसको दे दें, तो वो कहीं ना कहीं वो फसल खाने वाले को नुकसान करती है। चलिए, सरकार इस बात पर भी जोर दे रही है। खैर छोड़िए, आगे देखिए, ऑर्गेनिक फसल सुन रहे हो ना आजकल, वो यही चीज़ है ऑर्गेनिक, ठीक है। तो गहरी जड़ों वाली फसल के बाद उथली जड़ों वाली फसलें बोना, मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, जैसे अरहर बोदी तो अरहर की जड़ जाती है बहुत गहरी, तो गहराई से लिए अरहर के पेड़ ने, ऊपर से नहीं लिया तो ऊपर का चीज जो थी जमीन में वो पूरी हो रही है, ठीक है, गहरा हुआ चीज उठा ली। अब जो फसल बोनी चाहिए, अब वो आपको ऐसी बोनी चाहिए जिसकी जड़ थोड़ी उथली हो, जैसे चावल हो गया, उसकी जड़ बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं जाएंगी, गेहूँ हो गया, जड़ ऊपर ही ऊपर रहेंगी, तो आपके जमीन में से ऊपर से ले लिया, इतना नीचे वाली चीज़ पूरी हो जाएंगी। अब मान लो आप ऐसे ही गेहूं चावल बोते रहे तो ऊपर ऊपर की चीज खत्म हो जाएंगी, पृथ्वी नीचे आप गए नहीं, एक बार अरहर बोकर देखो ऐसे खेत में कैसी होएगी, धमाकेदार, इतनी तगड़ी अरहर होएगी आप मान के। तो चलो सरसों भी बहुत नीचे होती है, आप अरहर सरसों यही बोए गए तो भाई फिर नीचे की चीज खत्म हो जाएगी, तो इस तरीके से बोनी चाहिए, यही फसल चक्र कहता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। फसल चक्र सघनता क्या है, फसल चक्र सघनता CRD कहिए या CRI भी बोल देते हैं, इंटेंसिटी और यहाँ डेंसिटी कुछ भी, सघनता का मतलब डेंसिटी होता है घनत्व, तो डेंसिटी को इंटेंसिटी कहिए तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए CRI इंटेंसिटी, ठीक है, तो ये क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, ठीक है, CRD भी कह सकते हो डेंसिटी। तो देखिए ये क्या होता है, मैं आपको बता दूं, ये हमेशा परसेंटेज में आता है निकल के, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप समझिएगा कि आपका जो फसल चक्र है वो कितना आप जल्दी से उसको बदलते हैं, ये देखना चाह रहा है, ठीक है। तो वो क्या कहता है, फसलों की संख्या कितनी आपने बोई है, मान लीजिए आपने 2 साल में या 1 साल में ही देखने लगे आप, हम देख रहे हैं हमने गेहूं बोए और चावल बोए, 1 साल में 2 फसल ली अपने खेत से, और कितने वर्ष में ली, 1 में, तो आपका जो CRD या CRI का जो रेशो है वो है परसेंटेज फसल चक्र सघनता, कितनी आ जाएगी, 200%। तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि किसी किसान ने 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर किसी किसान ने 5 फसल बो दी, 5 फसल बो दी 2 साल के अंदर, तो उसका ये फसल चक्र सघनता कितने परसेंट है, तो आप ऐसे निकालते हो कि 2 साल के अंदर 5 फसल, तो आप ये कहेंगे कि 250% है। तो दोस्तों अगर 1 साल में 1 फसल भी ले रहे हो, 1 साल में 1 फसल, तो 100% आता है ये, 1 साल 1 फसल 100% रहेगा ये, तो 100 से तो सब ज़्यादा ही ले लेते होंगे। और ऐसे भी हैं कुछ तो महारथी कि पूरे पूरे साल खेत खाली पड़ा है, वो अपना ही नुकसान नहीं कर रहे, देश की GDP का भी नुकसान कर रहे हैं, देश में जो 17.4 तो पहले से ही है GDP में योगदान, और कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो देश का भी नुकसान कर रहे हैं। चलिए, जमीन से कुछ नहीं लिया तो देश का ही तो नुकसान है, जमीन तो कह रही है ले लो। चलो, एकल कृषि या समझिएगा, एकल कृषि क्या होती है, ये होती है, पीछे कुछ छोट तो नहीं है, चलो सही चल रहे हैं, एकल कृषि होती है मोनोकल्चर, मोनो मतलब एक, मोनो जहां भी लग जाएगा एक, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO का एक परमाणु है, मोनोऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि O के दो हो गए डाई, तो मोनो का जहां का मतलब है एक, तो एकल कृषि मतलब मोनोकल्चर, जिन क्षेत्रों का उपयोग केवल एक ही फसल बोने के लिए किया जाता है वहां पर मोनोकल्चर उसको बोलते हैं, एकल कृषि बोलते हैं, मतलब आप ऐसा है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि बस यही फसल हो सकती है और कुछ होगा ही नहीं यहाँ पर, जैसे चाय वाले आपके फसल देखेंगे तो चाय जहाँ होती है वहाँ कुछ और होता ही नहीं है, तो वो बार बार चाय बोते रहते हैं, हर साल इंतजार करते रहते हैं, तो खेत खाली भी रहेंगे इसलिए मिट्टी की उर्वरकता बनी रहेगी, चाहे एक ही फसल बोए जाओ कोई दिक्कत नहीं है, तो वही चीज़ है। असम और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जगह है, वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों का उपयोग केवल चाय बोने के लिए किया जाता है, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, सीढ़ीनुमा खेत होते हैं, ठीक है, तो उस तरीके से चाय के ही बागान लगाए जाते हैं यहाँ पर। चलिए, एकल सस्यन मोनोक्रॉपिंग, सस्यन मतलब फसल, ये एक तरह से फसल को बोना करना, वो क्रॉपिंग यहाँ से समझ में आ रहा होगा, मतलब एक ही फसल, जिन क्षेत्रों में, मोनो का मतलब एक
और क्रॉपिंग मतलब फसल, या सस्य मतलब फसल, तो एक ही फसल बोई जाती हो, मतलब अभी समझ में आ गया इन दोनों में मतलब क्या है, जिन अंतर क्या है, जिन क्षेत्रों में एक वर्ष में सिर्फ एक ही फसल उगाई जाती हो, सिर्फ एक ही जानबूझकर सिर्फ एक ही, मतलब ऐसा है किसी को ऐसे ठाली बैठने की आदत हो गई कि भाई एक ही बोंगे, बोनी ने हमारा बड़ बस की नहीं है, या कई बार यह है कि नहीं बोना ही नहीं चाहते, आया भतेरा पैसा क्या दिक्कत है, गेहूं बोलेंगे आराम से, दूसरी फसल में क्यों मेहनत करें, तो वो वाली बात है, यहां तो हुई नहीं और यहां बोई नहीं, तो बात समझ में आ गई, जिन क्षेत्रों में केवल एक वर्ष में सिर्फ एक ही फसल, और यहां पर क्या एक ही जैसी फसल, चाय 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 चाय, और यहां पर एक ही फसल, यहां हो कुछ भी जाएगा लेकिन फसल एक ही उगा रहे हैं, बात समझ में, दोनों में अंतर समझ में आया कि वहां पर तो एक ही जैसी होगी और यहां पर एक ही उगाई गई है, मतलब चाहे कोई सी भी उगा ले बदल बदल के, पर एक ही उगाई जा रही है। चलिए तो बात समझ में आई, चलिए अब फसल सघनता देखते हैं, फसल सघनता क्या होती है, ये भी प्रतिशत में क्वेश्चन बनता है, फसल सघनता क्या है, फसल पिछला क्या था, फसल चक्र सघनता, ठीक है, फसल चक्र सघनता जो हमने देखा था कि एक वर्ष में कितनी फसल बोई है, एक वर्ष में या मतलब कितनी फसल बोई है, टोटल कितने समय में बोई है, कितने वर्षों में बोई है, और गुणा 100, और यहाँ पे क्या है, एक वर्ष में कुल बोया गया क्षेत्र, यहाँ क्षेत्र हो जाएगा, सघनता क्या फसल कितनी नजदीक नजदीक है, सघनता मतलब पास पास, वही बात है, एक वर्ष में कुल बोया गया क्षेत्र बटे कुल कृषि योग्य क्षेत्र, और गुणा 100%, 100, तो देखिएगा मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आपने आपके पास 10 बीघे जमीन है, 10 बीघे, ठीक है, 10 बीघे जमीन है, आपने पहले गेहूं बो दिए, फिर 10 बीघे, 10 बीघे तो फिर भी है गेहूं कटने के बाद, अब उसी साल में ही हो रहा है, अब के मान लो चावल बो दिए, ऐसे बो सकता है किसान या नहीं बो सकता, बिल्कुल बो सकता है, बिल्कुल उसी 10 बीघे में, तो अगर आपने बोया गया क्षेत्र एक साल के अंदर कितना बोया है, 10 बीघे बुआ या 20 बीघे बुआ, तो 20 बुआ, तो इसलिए वो जो ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो अब 20 तो बोया एक साल में, बोने के लिए क्षेत्र नापोगे, क्षेत्र तो 10 ही बीघे है उसके पास, भाई जमीन कितनी है किसान के पास, वो यहाँ कृषि योग्य 10, तो 20 बोया और 10 उसके पास जमीन थी, और गुणा 100, तो ये आ जाती है 200%। अच्छा 200% आ गई, हाँ एक साल में उसने दो दो फसल ले ली, तो वो 200% कर दी उसने फसल सघनता, ये तो बड़ा आसान है, इतने तो सभी करते होंगे किसान, हमारे यहाँ का किसान मेहनती है, आप भी मेहनती हो अगर ऐसा सोच रहे हो तो देखिए अगर मैं बता दूं कि भारत का फसल सघनता कितना है, जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो 136% है, 200 नहीं है, एक फसल तो पूरा भारत लेता है एवरेज, एक से बस थोड़ी फालतू ले पाता है, मतलब 2 से तो बहुत दूर है, और आपको बता दूं कि भारत में कौन सा राज्य है, आगे बढ़ता हूं, जो सबसे ज्यादा इसका फसल सघनता है, जो सबसे ज्यादा लेता है वो है पंजाब, और अगर इसका भी देखोगे ना 200 इसका भी नहीं है, 190% आया है इसका लेटेस्ट, ठीक है, 160 भी रहा है, 190 भी, 194 तक भी पहुंचा है, इससे ऊपर नहीं पहुंचा ये, तो 190% मान लीजिए, तो मतलब दो फसल तो जो सबसे नंबर वन राज्य है ना एक साल में वो भी नहीं ले पाता, कितनी दुख भरी बात है। चलिए अब आगे देखो, भाई किसी साल मिट्टी उठवानी है मुझे, मैं नहीं बो रहा फसल, तो वो सब कुछ घटेगा उसमें, से क्या दिक्कत है, चलो फसल सघनता में से यूपी, यूपी का भी तो पूछा जा सकता है, यूपी दूसरे स्थान पर है, अच्छी बात है हमारे राज्य के लिए, लेकिन पंजाब से बहुत पीछे है, तो याद रखना, लेकिन भारत का जो एवरेज है ना 136, उससे हम बहुत ऊपर है, 153, करीब 1.5 फसल ले लेते हैं यूपी के लोग, ठीक है, आप लोग, आगे बात करें, 200% से अधिक फसल सघनता क्या कहलाती है, मतलब अगर आपने दो फसल ले ली ना एक साल में अपने खेत से, तो वो गहन सस्यन कहलाएगा, मतलब बहुत तगड़ी ले ली, गहन मतलब ज्यादा, जैसे कहते हैं ना गहन अध्ययन कर रहे हैं, तो ज्यादा ही हो रहा है कुछ, ठीक है, और 200% से कम हुई है, तो पूरा भारत और हर राज्य विरल सस्यन के अंदर आता है, विरल सस्यन, सस्यन मतलब फसल, विरल मतलब दूर दूर, गहन मतलब ज्यादा, पास पास ज्यादा, विरल कम, ठीक है, चलिए तो सस्यन तो समझ में आ गई, तो पूरा भारत इसी के अंडर आता है, तो ऐसे क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है कि जो फसल सघनता कितनी है, अगर
जो है इतनी फसल लेते हैं या इतना जमीन है किसान के पास, इतनी कृषि योग्य भूमि, तो आप निकाल के बताओ, बड़े आराम से निकाल लोगे, फॉर्मूला बता दिया आपको। आगे आता है झूमिंग खेती। झूमिंग का मतलब ऐसे लगता है कि झूम झूम के करते होंगे, ऐसा तो नहीं है। दारू पी के करते होंगे, ऐसा भी नहीं है। झूमना तो उसमें ही होता है। तो शिफ्टिंग फार्मिंग बोल सकते हैं इसको, एक प्रकार से शिफ्टिंग कल्चर बोल सकते हो, कुछ भी, झूमिंग कृषि कह दीजिए। तो दोस्तों बता दे रहा हूँ कि झूमिंग कृषि वो होती है, सुना बहुत होगा आपने, एग्जाम में भी आता है, तो जंगलों को काटकर या जलाकर जो कृषि योग्य बनाया जाता है। सोचिएगा, जंगल थे, झाड़ झूठ खड़ा था, कुछ भी नहीं दे रहा, भारत की जीडीपी में उस जगह का कोई योगदान नहीं है, लेकिन हमने उसको काट पीट के फिट करके कंप्यूटर मांझा लगवा के और बिल्कुल फिट बना दिया, खाद वाद डाल के, और अब हम खेती कर रहे हैं। तो वो है झूमिंग खेती, जहाँ जंगलों को जलाकर खेती की जाती है। याद रखना कितनी तगड़ी काम करते हैं ये बेचारे, ये है तगड़ी वाली खेती। हमें तो इकसार हुए हाय हमारे बाबा हर करके, मिले खेत जाके ट्रैक्टर लगा देना, हमें कौन सा काम करना पड़ रहा, ये है, ठीक है। यह खेती असम व मेघालय में होती है, मेहनती लोग हैं, आज से समझ जाना उधर के। चलो आगे बात करते हैं, ये क्या है, एक नम खेती, ह्यूमिड फार्मिंग, मतलब जहाँ थोड़ी नमी रहती हो खेतों में। और नमी कहाँ रहेगी, जहाँ बारिश ज़्यादा होती हो, जहाँ सिंचाई खूब होती हो, जहाँ की मिट्टी जलोढ़ हो, ठीक है, उस टाइप की। तो ये तो हमारे यहाँ की बात हो रही है, हमारी मिट्टी नम है। हाँ बिल्कुल, अधिक वर्षा वाली जगह, तो हमारी अधिक वर्षा वाली कम नहीं है, हमारे यहाँ वर्षा कम तो ये होती है 50 सेंटीमीटर से भी कम, ठीक ठाक बारिश हो जाती है हमारे यहाँ। तो चावल जूट खूब होता है हमारे यहाँ, चावल गन्ना भी खूब होता है, इन सब के लिए उपयुक्त है। जूट पश्चिम बंगाल में होता तो वहाँ भी ठीक ठाक बारिश हो जाती होगी, या नदियों के आसपास का क्षेत्र है इसलिए, ठीक है। चलिए, तो नम खेती चावल के लिए चाहिए ना, बिल्कुल गीली मिट्टी, पानी भरा खड़ा रहे हमेशा चावल में। शुष्क खेती, ड्राई फार्मिंग, ये कैसी होती है कि भाई जहाँ पर पानी नहीं हो, जमीन में भी हो सकता कुआं 500 फुट गहरा खोदना पड़ जाए जब बिना निकले पानी, ठीक है। तो उस तरीके का जहाँ पानी का स्तर बहुत डाउन हो गया हो और बारिश ना के बराबर होती हो, ठीक है, तो ऐसी जगह पर, ऐसी जगह कौन सी, कहाँ मिल सकती है, राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो वहाँ पर बाजरा होता है, आपको पता है, जिसको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, एक पानी में हो सकता बाल निकाल दे। चलिए, तो बाजरा समझ में आ गई, ऐसी चीज़ वहाँ पर हो जाएगी, ठीक है, शुष्क खेती के लिए। अगर रोपण खेती, शिफ्टिंग फार्मिंग, मतलब शिफ्ट करी जाती हो, तो आपको समझ में आएगा। देखो शिफ्ट कैसे, कि हमने एक जगह बोई चीज, अब वहां से उखाड़ उखाड़ के थोड़ा दूर दूर लगा देते हैं, जैसे हम चावल में मूंजी में करते हैं अक्सर, ठीक है, जहां थोड़े बड़े पौधों को एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगाया जाए, ठीक है। जैसे चावल, रबड़, चाय, सब ऐसे ही लगते हैं, याद रखना, इनकी पौध लगती है सबकी, ठीक है, सबकी पौध लगाई जाती है। चलिए आगे, रेंचिंग खेती, चारागाह के लिए उगी हुई प्राकृतिक फसल रेंचिंग खेती कहलाती है। बहुत सही भाई, बहुत सही, आगे बढ़ सकते हैं क्या हम, बिल्कुल। ये चारागाह के लिए, देखिए ये प्राकृतिक फसल होती है, ये हम बोते नहीं है, अपने आप घास हो जाती है चारागाह के लिए, उसको रखा लिया जाता है। पर्वतीय पहाड़ों इलाकों में ज़्यादातर ऐसा ही होता है, और जहाँ पर पशुपालन का ज़्यादा योगदान होता है, ठीक है, जहाँ पर खेती के लिए जमीन नहीं है तो पशु ही पाल लेते हैं, उनको ही चरा लेंगे, तो अपने अपने क्षेत्र में चराते रहते हैं ये, तो ये प्राकृतिक उगी हुई घास ही कह सकते हैं कोई। चलिए, उसकी रखवाली करते रहते हैं। अब देखिए फसलों का वर्गीकरण, बहुत अच्छी बात है, अभी हम फसल ही पढ़ रहे हैं पूरा, और फसल चक्र आपको और पढ़ना है, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फसलों का वर्गीकरण जरा पढ़ लेते हैं दोस्तों, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, तो क्या है, इसको अलग अलग आधार पर हम बांट सकते हैं, जैसे ऋतुओं के आधार पर। अगर मैं देखूं कि भाई मैं इसको टोटल चार प्रकार से मैंने बांट रखा है, तो देखिएगा, हो सकता है एक आध प्रकार से कोई और भी बांट दे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ऋतुओं के आधार पर बांटा है, पौधे का जो जीवन चक्र उसके आधार पर बांट दिया पूरे फसलों को। देखिए फसल, अगर आप कहोगे चावल, चावल तो जी खरीफ की फसल है, उस तरीके से तो ये सिर्फ एक ही आधार पर बांटा आपने, ऋतुओं के आधार पर, लेकिन चावल को इसमें भी लिया जा सकता है, इसमें भी लिया जा सकता है, और इसमें भी लिया जा सकता है, ठीक है। गेहूं को
एक तो आपने सिर्फ अभी रबी वबी की फसल पड़ी है, इनके आधार पर कौन से माएगा, इनके पे कौन से माएगा, इनके पे कौन से माएगा, ठीक है। तो ये सारी फसलों को बांटने के और भी तरीके, सिर्फ एक पे डिपेंड मत रहो कि ऋतुओं के आधार पर बांटना आता है जी हम पे। तो जो आपने पढ़े हैं ना, रबी खरीफ जायद गर्मा, ठीक है, नकदी की फसल, वो सब ऋतुओं के आधार पर पड़े हैं अभी तक। और ऐसे ही ऋतुओं के आधार के जैसा ही पौधे के जीवन चक्र के आधार पर भी फसल होती है, भूमि के आधार पर भी फसल होती है। भूमि कहीं पर थोड़ी हल्की होती है, कहीं पर थोड़ी भारी भूमि। हल्की भूमि जैसे हमारे यहाँ भूड कह देते हैं, भूड मतलब जहाँ थोड़ी सी रेती सी भूमि होगी, उथली सी भूमि होगी, यहाँ पानी बहुत जल्दी सूख जाता होगा, वो हल्की फसल है, हल्की भूमि है, ठीक है। मध्यम भूमि जहाँ पानी थोड़ा रुक जाता है, पर ये कुछ ऐसी है, भारी भूमि पानी भर दोगे सूखेगा ही नहीं आराम से, डाखरे खेत बोले हमारे यहाँ उनको, ठीक है। आर्थिक आधार पर, आर्थिक आधार पर कि अनाज, मोटे अनाज जैसे बेचने जा रहे हैं ना, तो पैसा किससे ज्यादा कमता है, मोटे अनाज से ज्यादा, अनाज से, दलहन से, तिलहन से, उनसे कैसे कमता है, वो आर्थिक आधार पर हो जाता है, मतलब पैसे के आधार पर, ठीक है। तो इस तरीके से बांटा गया है। तो मैं आपको समझा देता हूँ पहले ऋतुओं के आधार पर, ये जरूरी है सीखना, और यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो रबी की फसल ऋतुओं के आधार पर है, रबी की फसल, और आपको समझ लेना चाहिए कि रबी की फसल कब बोई जाती है, पहले तो ये बताओ कब काटी जाती है, सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि रबी की फसल वो होती है। देखिए एक फसल मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं, रबी में याद रख लो गेहूं, कि हमारे यहां जो गेहूं का बीज बिखेरा है वो रबी है, ठीक है। गेहूं का बीज बिखेरने वाले आदमी का नाम रबी। चलो आगे खरीफ, अब खरीफ में याद रख लेना चावल, ठीक है। खरीफ में एक ही फसल याद रखना चावल, बाकी सारी याद करवा दूंगा मैं अपने आप। खरीफ में एक, खरीफ में कैसे याद रखोगे कि भाई एक चावल, भाई बहुत खरा पैसा आता है, चावल का बहुत महंगा बिकता है गेहूं के मुकाबले, तो खरीफ में चावल याद रख लोगे, खरा खरीफ चावल, ठीक है। आगे अब देखिए जायद गर्मा, और एक और नाम नकदी, नकदी फसल, जिस फसल से नकदी कमाई जाती हो तुरंत जाओ तोड़ के दियाओ। जैसे आपको बोलूँ घिया, घिया एक साथ ही फसल पकती है क्या पूरी, नहीं। आज कुछ उतरे 10 घिया आज हमारी बेल पे उतरी आई, बेची आई मंडी में जाके हैं, और फिर 10 कल को उतरेंगे फिर, तो बेची आए कमा लिया, बेची आए नकदी लिया, बेची आए नकदी लिया। तो घिया की तरह जो बोई जाती हैं वो यहाँ पर नकदी में आ जाएंगे या जायद में आ जाएंगे, गरम पैसा गरम गरम आ रहा है, ठीक है। तो उस तरीके से गरम याद रख लेना। चलिए तो दोस्तों पहले मैं आपको रबी की बता दूँ, रबी में गेहूं है, और गेहूं का आप सोच के देखो कब बोया जाता है कब काटा जाता है, सोच के बताओ जरा। और किसान के बेटे हो तभी तो आपको पता चलेगा कि आप किसान के बेटे हो। तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, और काटी कब जाएगी, मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में काटी जाएगी, बिल्कुल। तो ये तो रबी की फसल की बात है, मार्च अप्रैल में, अब तो कट चुकी है क्योंकि मई चल रहा, अप्रैल तो गया, गेहूं सबके कट गए होंगे। चलिए आगे बात करूं दोस्तों, अब इनमें गेहूं, अब आपको ये तो पता लग गई कब बोई जाती है कब काटी जाती है, यही पूछा जाता है एक तो क्वेश्चन, ऐसे भी पूछ सकता है भाई कब बोई जाती है ये, और दूसरा कौन कौन सी फसल किस फसल के अंतर्गत आती है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गेहूं के साथ साथ क्या आएगा, मटर, गेहूं में मटर हो जाती है, आपने देखा होगा कभी कभी, ठीक है। गेहूं मटर चना, चना और मटर एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोनों, ठीक है। तो गेहूं मटर चना और गेहूं के साथ, और गेहूं में क्या हो जाता है, आप कहो जौ भी तो होता है गेहूं के साथ, बिल्कुल सही है, और जई भी तो होती है, जई भी बिल्कुल सही है। और बता दो ना गेहूं के साथ जो भी चीजें बोई जाती होंगी, या गेहूं के साथ सरसों भी तो हो जाती है, तो बिल्कुल सरसों, इसमें सरसों को राई भी बोल सकते हो, तो सरसों भी इसमें आ जाती है। गेहूं में बहुत लोग तो बिखेर देते थे पहले उसकी डॉल पे, आजकल तो कंप्यूटर मांझे लगे हैं, कोई डॉल ही नहीं होती खेत में, एक मुहाड़े पानी चलता। चलो तो ये हो जाता है सरसों, ठीक है। और अब मतलब ये सारी चीजें बता दी हैं कि कौन सी फसल गेहूं के साथ, अब सोच लेना, आप अपने आप भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं है कि मेरे कहने के अनुसार ही चलोगे। गेहूं के साथ जो भी बोया जाएगा वो सब रबी में आएगा, ठीक है, आपको सिर्फ गेहूं याद रखना है। अब मैं आता हूं खरीफ की तरफ, खरीफ की तरफ, चलिए भाई खरीफ की तरफ। अब देखिए खरीफ में कैसे करेंगे, खरीफ भी यहां लिखो जी खरीफ। अब खरीफ में एक याद है आपको कि चावल या धान, तो चावल याद है आपको, चावल के साथ बताओ चावल के साथ क्या क्या बूता है आपके यहां, तो आपको पता है कि ज्वार भी बूती है जी,
मक्का भी उस टाइम पे बोते हैं बहुत लोग, अरहर भी बोते हैं उस टाइम पे बहुत लोग, ठीक है, मूंग भी बूती है बहुत लोगों को। मूंग थोड़ी सी हालांकि चावल से पहले बू जाती है, इसलिए गर्मा में आती है। मूंग की फली भी थोड़ी थोड़ी तोड़ के बेक के आते हैं, तो वो वाली भी है, ठीक है। तो मूंग को भी आप कह सकते हो गर्मा में, हालांकि खरीफ में भी कही जाती है मूंग, ठीक है। और देखो मूंगफली जो हमारे यहाँ नहीं होती, गुजरात में बहुत होती है, तो मूंगफली भी इसी टाइम पे बोई जाती है, ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है। चलिए और भी, और जो आपको याद आ जाए चावल के साथ, वो सारी इसमें आप डाल दोगे। चलो आगे, ये सब मैं तो प्रैक्टिकली बता रहा हूँ क्योंकि हमने ये सब देखी है बूती हुई, मैंने कभी इनको याद नहीं किया, ना आपको याद करनी चाहिए अगर आपके किसान के बेटे हो तो। चलिए और जायद गर्मा नकदी, तो इनमें आप बता दो, इनमें तो ऐसी चीज है ज़्यादातर सब्जियाँ ही हैं कि भाई तोड़े बेचे, भिंडी हो गई, तोरी हो गई, ये कब बोई जाती है, हाँ इनमें तो बताया नहीं कब बोई जाएंगी, कब काटी जाएंगी। तो दोस्तों ये पता है आपको, इनमें चाहिए बहुत ज़्यादा पानी, तो ये बरसात के मौसम में बोई जाती हैं, अर्थात ये जून जुलाई में बूती हैं, जून जुलाई में, जुलाई में। और काटी कब जाती हैं, आपको पता है गेहूं बूते हैं इनके कटने के बाद तुरंत, तो अक्टूबर से पहले पहले काट ली जाती हैं, अर्थात अक्टूबर कह सकते हो कि अक्टूबर में काट ली जाती हैं, ठीक है, अक्टूबर में काट ली जाती हैं, ये खरीफ फसल हो जाएगी। अब गर्मा की, अब टाइम ही कहाँ बचा, देखो गर्मा जायद नकदी की, अब टाइम कहाँ बचा, ये तो तुरंत बात तो गेहूं बू गए, अब गेहूं कब कटेंगे, गेहूं कटेंगे मार्च अप्रैल में, तो ये जो फसल होती हैं ये अप्रैल में बू जाती हैं गर्मा की। और कब काट ली जाती हैं, जून में काट ली जाती हैं, क्योंकि जून के लास्ट में ये बू जाती हैं खरीफ की, या जुलाई में बूती हैं खरीफ की, तो ये भी दो तीन महीने इसको मिल जाते हैं। तो अगर आप तीनों ही फसल लोगे ना खेत से, तो खेत की रेड मर जाएगी, ये भी देख लेना, ठीक है। चलो तो मतलब खेत को थोड़ा सा खाली छोड़ना जरूरी है जुताई करके। आगे बात करते हैं दोस्तों, ऋतुओं के आधार पर फसल आपको समझ में आ गई सारी, कि भाई गर्मा की कौन सी फसल है, फिर बता देता हूँ, तरबूज, खीरा, ककड़ी, मूंग अभी बताया, ठीक है, और देखिए और भी कोई जो भी आप, भिंडी, बैंगन, टमाटर, जो एक साथ फल नहीं देते, धीरे धीरे देते रहते हैं, ज़्यादातर सब्जी आ गई इनमें, ठीक है। तो गर्मा याद रहेगा, गर्मा मतलब गर्म गर्म नकदी देता रहे, जो जायद नकदी सब एक ही बात है। चलो पौधे के जीवन चक्र के आधार पर, पौधे के जीवन चक्र के आधार पर, देखिए मैंने फसलों का वर्गीकरण कर रहा हूँ ऋतुओं के आधार पर, ये तीन तरह के हो गए, और पौधे के जीवन चक्र के आधार पर भी तीन ही तरह की है। एक वर्षीय फसल, जीवन चक्र मतलब इसमें पौधे का जीवन कितने दिन का होता है, एक वर्षीय फसल एक वर्ष से पहले कट जाए या एक वर्ष में कट जाए, एक वर्षीय। द्विवर्षीय जो मतलब पहले साल तो बढ़ती रहे फसल और दूसरे साल फल देना शुरू कर दे, वो द्विवर्षीय हो गई। बहुवर्षीय जो अनेकों सालों तक ऐसे ही खड़ी रहे, इसमें स्पेशली घास आती हैं, कुछ खास किस्म की घास कि भाई वो फिर चलती रहती हैं सालों साल, ठीक है, पाँच साल चल जा, छः चल जा, पता नहीं कितनी। द्विवर्षीय मैं बता दूं तो चुकंदर एक ऐसी फसल है, चुकंदर याद रख लेना, कि जो पहले साल तो सिर्फ बढ़ती है और अगले साल फिर वो फल देना शुरू कर देती है। और एक वर्षीय फसल में ये हमारी सारी आएंगी, गेहूँ कहो, चावल कहो, जो जल्दी से काट ली जाती है, एक निश्चित टाइम इनका होता है कि तीन महीने, चार महीने, पाँच महीने, तो वो जो फसल होती हैं वो सब एक वर्षीय के अंदर आ जाती हैं। तो पौधे के जीवन चक्र के आधार पर पता लग गई फसलों के तीन प्रकार हैं, ठीक है। और भूमि के आधार पर, भूमि के आधार पर, भूमि कैसी है, थोड़ी हल्की है, थोड़ी भारी है, थोड़ी मध्यम वर्ग की है, मतलब कहते नहीं है यार यहाँ थोड़ा सा हल्का खेत है, ये हल्का खेत है, इसमें ये मत बोइयो, ठीक है, ये होएगा नहीं, तो वही है हल्की भूमि की फसल। अब हल्की भूमि की हमें क्या बोना चाहिए, किसान के बेटे को पता होना चाहिए कि हमारा खेत कमजोर है तो हमें क्या बोना चाहिए, सब्जियां बोलो, खीरा, ककड़ी, बाजरा, खीरा ककड़ी बोलो, जिसमें पानी की बहुत कम की जरूरत है, बाजरा, मूंग, जो सूखे में भी हो जाए उनको बोलो, ठीक है, बूढ़ का खेत है ऐसे मान लो, ठीक है। और भारी भूमि जहाँ डाकरा खेत है, अच्छा खासा चावल बहुत अच्छा है, कपास बहुत ज़्यादा होती है, पहले तो बहुत बोते थे हमारे यहाँ, अब तो कोई कपास बोता नहीं, तो कपास को भी पानी बहुत चाहिए, ठीक है। आगे करते हैं मध्यम भूमि की, ना ज़्यादा डाकरा खेत है, ना ज़्यादा भूढ़िया खेत है, तो वहाँ पर सब्जियाँ, ज़्यादातर सब्जियाँ, ये तो सलाद ही थी और एक बाजरा भी आ गया था, मूंग भी आ गई थी, मूंग को भी नहीं चाहिए ज़्यादा, ठीक है, ये तो खाती बढ़ाने वाली चीज़ है सब। और सब्जियाँ
आलू टमाटर बैंगन मध्यम भूमि में ये सब बहुत अच्छे से होंगी, मतलब जो खेत बीच का सा है, इसमें जान है खेत में बहुत ज़्यादा, इनमें ये बो दो, ठीक है, इसमें गेहूं भी बो सकते हो, भारी भूमि में सब चलेगा। चलिए आर्थिक आधार पर, अब आपको पता होना चाहिए आर्थिक आधार पर अनाज, आर्थिक आधार पर हम अनाज में क्या क्या लेते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अनाज में हम क्या क्या लेते हैं, गेहूं, गेहूं भी इसमें आएगा, चावल भी इसमें आएगा, ना आ जाए सब अनाज है, चावल, जौ भी इसमें आएगा, ये सब अनाज है आपके, अनाज, अनाज का ये रेट चल रहा है जी, अनाज बहुत अच्छा बिकेगा, ठीक है। अब मोटे अनाज थोड़े सस्ते बिकते हैं, अब मोटे अनाज में क्या आता है, जैसे ज्वार आ गई, मोटा अनाज, बाजरा आ गया, ये मोटे अनाज में आते हैं, ठीक है, तो ज्वार बाजरा वगैरह ये मोटे अनाज में चलेंगे। अब दलहन में आप सब जानते हैं दालें आती हैं, दालें तो बहुत महंगी जाती हैं, तो आर्थिक आधार पर महंगे सस्ते के आधार पर बांटी है, तो दलहन में आ जाएगा, और दलहन में क्या क्या आएगा आपको पता है, मूंग की दाल, उड़द की दाल, सब तरह की दाल इसमें आ जाएगी, ठीक है। अब चारे की फसल, कुछ चारे की फसल है तो बहुत सस्ती जाती है, ज्वार भी इसमें आ जाती है, देखिए ज्वार पक जाए तो मोटे अनाज में दाना आ जाता है, और ज्वार हरी कंच को बेचोगे तो बरसिम, बरसिम भी इसमें आती है, ज्वार भी इसमें आती है, जो आदमी के किसी काम की ना हो, हरी को काटने लगो तो वो चारा, हरी ज्वार को काटने लगो कच्ची को तो वो चारे के काम आती है। रेशे वाली फसल जैसे जूट है, पटसन है, पटसन सन निकलता था जिसको, तो वो सारी रेशे वाली फसल होती है, कपास भी रेशे वाली है, रेशम, रेशम कपास, ठीक है, तो रेशे वाली फसल कपास भी है, जूट भी है, और आपका पटसन भी है, ठीक है। आगे चीनी की फसल, अब ये चीनी की फसल क्या है, चीनी जिससे बनती है, गन्ना और चुकंदर दोनों चीनी में काम आते हैं, तो चुकंदर, तो चुकंदर, ठीक है, तो चीनी की फसलें हैं गन्ना और चुकंदर, ये तो बहुत महंगी जाती हैं। चलिए तो बात समझ में आ गई, भूमि के आधार पर तीन प्रकार की होगी, पौधे के जीवन चक्र के आधार पर तीन प्रकार के, आर्थिक आधार पर इतने सारे प्रकार की हो गई। चलिए आगे बढ़ सकता हूँ क्या, अब देखिए कुछ कृषि संबंधित क्रांतियाँ जो बहुत बेहतरीन है और बहुत बेहतरीन तरीके से याद करवाऊँगा दोस्तों। अब ये क्रांतियाँ क्या है, क्यों ये शुरू की गई थी, जरूरत क्या पड़ी क्रांतियों की, क्रांति इसलिए शुरू की गई थी मेरे दोस्तों कि भाई जो ये फसल है ना हमारे यहाँ, इनमें कहीं ना कहीं, क्रांति का मतलब रिवॉल्यूशन, मतलब चेंज, कि जो चल रहा है उससे ज़्यादा पैदावार हमें लेनी है। तो सबसे पहले जो हमारे देश में आई वो हरित क्रांति आई, इसने बहुत हौसला हमें दिया, ठीक है, और हरित क्रांति के पूरे विश्व में जनक डॉक्टर कौन से कहे जाते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है, और भारत में इसके जनक कौन कहे जाते हैं, MS स्वामीनाथन, ठीक है, MS स्वामीनाथन। चलिए तो भारत में हरित क्रांति के जनक वही लेके आए थे भारत में, तो इसको भारत में जो भी बीज मेक्सिको से बीज आया, वहां से ब्रीड तैयार किया, वो सब MS स्वामीनाथन का काम था, ठीक है। तो वहां गेहूं चावल में इसमें क्रांति आई, गेहूं में सबसे ज़्यादा असर पड़ा, कि हरित क्रांति का असर सबसे ज़्यादा किस फसल में पड़ा, तो गेहूं पर, दूसरे नंबर पे किस पे पड़ा, चावल पर, लगभग डेढ़ गुनी कर दी थी कि पिछले साल जो हुए अब के डेढ़ गुने, हमारे पहले मान लो 10 मन गेहूं हुआ तो अब के 15 मन हो गया, इस क्योंकि किस, अब इसमें फ़र्क क्या करा, खाद ज़्यादा लगा दिया क्या, नहीं, बीज की किस्में चेंज कर दी बिल्कुल, ठीक है। पहले आप देखोगे लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे, तो वहाँ पर खेतों में एक बीघे में एक एक मन, दो दो मन गेहूं होता था, और आज के टाइम में 10-10, 11-11 मना हो रहा है। चलिए उस टाइम पे जितनी कम जनसंख्या थी 40-50 करोड़, तो भाई उसकी पूर्ति नहीं पड़ रही थी, और खेत अब से ज़्यादा थे, अब तो भाई अब आपको पता है अब तो खेती जा रहे हैं कोई कहीं कोई कहीं, फिर भी पूर्ति पड़ रही है अपने देश के अनाज से ही, क्योंकि अब ज़्यादा पैदावार हो रही है उसी क्षेत्र में, बात समझ में आई, क्षेत्र तो और घटा ही है। तो गेहूं का सर्वाधिक, गेहूं पर सर्वाधिक प्रभाव, दूसरे नंबर पर चावल, और गेहूं पर भी पूरे भारत में नहीं पड़ा था प्रभाव, जो पड़ा हरियाणा जहां गेहूं ज़्यादा होता है, पंजाब, और हमारे पश्चिमी यूपी में इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ा, ठीक है, पश्चिमी यूपी में। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग इसके पूरे विश्व में इसके जनक रहे हैं, ये 1970 में ये भारत में आई थी, दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति बोल देते हैं, और दोस्तों ये आई थी 1900
68 में कह दीजिएगा हरित क्रांति, 70 में ऑपरेशन फ्लड भी चलाया गया था कि दूध की बाढ़ आ जाए, जो फ्लड तो आप ऐसे समझ लीजिएगा। श्वेत क्रांति, सफेद रंग की बात है तो दूध सफेद होता है, व्हाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं, रंगों पर बनाई है सारी। पीली क्रांति, जो भी तिलहन है तेल पीला होता है, याद रहेगा, ठीक है। तो पीली क्रांति, चाहे किसी से मूंगफली का तेल निकालो तो मूंगफली की फसल पे ध्यान दिया, ठीक है। सरसों से तेल निकलता है तो सरसों पे भी, तिल का तेल निकलता है तो तिल पे भी ध्यान दिया, नारियल से तेल निकलता है तो नारियल पे भी, तो सबकी फसलों को बढ़ाया गया, ठीक है। तो इस तरीके से गोल क्रांति मतलब आलू के उत्पादन, तो गोल क्योंकि गोल होता है आलू, याद रहेगा। नीली क्रांति, मत्स्य पालन, नीला होता है पानी और पानी में पाई जाती है मछली, तो इसलिए याद रहेंगे नीली क्रांति को मत्स्य पालन से। गुलाबी क्रांति, झींगा मछली, झींगा मछली, मछली है झींगा भी, झींगा उत्पादन आपने सुना होगा, तो झींगा होती है मछली। और प्याज, प्याज का रंग देखोगे ना गौर से तो गुलाबी होता है, तो गुलाबी क्रांति प्याज, याद रह आएगी, तो प्याज की भी वृद्धि हुई। कृष्ण क्रांति, ब्लैक रिवॉल्यूशन, तो ब्लैक, कृष्ण मतलब काला, तो ब्लैक रिवॉल्यूशन। अब काली चीज क्या होती है, पेट्रोलियम जब धरती से निकालते हैं ना बहुत काला होता है, फिर तो इसको अलग अलग किया जाता है, पेट्रोल अलग, डीजल अलग, मिट्टी का तेल अलग, ऐसे खनिज तेल पेट्रोलियम तो एक ही बात है और वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि वैकल्पिक ऊर्जा से कौन सी क्रांति संबंधित है, इसलिए मैंने सबके नाम लिख दिए हैं, तो कृष्ण क्रांति ही है। वैकल्पिक ऊर्जा, एक तो भी प्राकृतिक ऊर्जा है, सूर्य से जो मिल रही है हमें ऊर्जा, और ये वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत है जो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, ठीक है, वो वैकल्पिक ऊर्जा में आता है, ठीक है। चलिए, तो क्योंकि कोयला भी इसमें आ सकता है, वो भी वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है, कृष्ण भी है मतलब काला भी है इसलिए, ठीक है। तो धूसर, धूसर रंग बोलते हैं ग्रे कलर को, ग्रे देखा होगा ना, ग्रे, तो ग्रे होता है उर्वरक उत्पादन। अब उर्वरक डाई का कलर देखोगे ना, डाई जो मारते हैं खेतों में, सुना होगा आपने, तो वो भी ग्रे कलर की होती है, याद रह जाएगा, ग्रे कलर, धूसर कलर। आगे बात करूं रजत क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन, तो अंडे से और मुर्गी उत्पादन से, तो ये सिल्वर, सिल्वर भी मतलब सफेद तो अब दे नहीं सकते हो, तो हमने दूध को दे दिया, तो अंडा तो सफेद ही होता है, तो चलो सिल्वर पे थोड़ा सा सफेद से कम पे आ गए, तो फिर हमने अंडे को दे दिया, पर दूध में हम पहले ही ला चुके थे, नहीं तो सफेद यहां दे देते हम, पे क्या जोर पड़ रहा, ठीक है। आगे सुनहरी क्रांति, सेब या बागवानी से, अब सेब भी अंदर से खा के थोड़ा सा छोड़ दो तो सुनहरा सुनहरा कलर आ जाता है उस पर भी, ठीक है। और बागवानी, जो भी घर में पेड़ पौधे लगाते हैं, घास लगाते हैं या छोटे फूलों के फलों के पेड़ लगा देते हैं, तो उन पे भी सुनहरे सुनहरे फूल आते हैं, तो गोल्डन रिवॉल्यूशन, सुनहरी क्रांति उससे संबंधित है। चलिए आगे, लाल क्रांति, लाल मांस होता है, लाल ही टमाटर होता है, तो मांस से और टमाटर के उत्पादन में वृद्धि, मांस का मतलब यहाँ बकरे का मांस से होगा, ठीक है, बकरा उत्पादन में वृद्धि करी होगी। और बादामी क्रांति, बादामी क्रांति मतलब मसाले, तो याद रखना कि बादामी क्रांति, मसालों का ज़्यादातर कलर बादाम के जैसा ही होता है, इसलिए बादामी क्रांति मसालों को दे दी। और इंद्रधनुषीय क्रांति क्या थी, ये सभी क्रांतियों पर, देखिए सरकार ने क्या किया कि भाई सभी क्रांतियों पर ध्यान देना है, तो सभी क्रांतियों को उसने इंद्रधनुषीय बोल दिया, क्योंकि इंद्रधनुष में भी सात रंग होते हैं और सातों रंग इसमें आ रहे थे क्रांति में, तो इंद्रधनुष में यहाँ सात नहीं, सरकार ने बोला ये 12 के 12 रंग इसमें भर दो इंद्रधनुष में, तो सारी की सारी क्रांतियों पर हम पूरे संयुक्त रूप से ध्यान देंगे, कोई सी भी क्रांति हमारी नहीं छुटेगी, इसलिए सन 2000 में इस नई क्रांति को जन्म दिया, ठीक है, कि सारी क्रांतियों का मिला जुला रूप है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, जरूर आता है क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। अब तक तो जहाँ भी ग्रामीण परिवेश आ रहा है तो ये चीज़ें तो पूछी ही जाएंगी। अब देखिए दोस्तों, विभिन्न कल्चर, अब कल्चर के बारे में पढ़ लेते हैं कि फ्लोरी कल्चर, ये कल्चर है तो ये भी खेती है, तो फूलों की खेती, तो इसलिए ये भी क्यों छूता रहे, जो भी 2-4-6 नाम है उनको पढ़ लेते हैं, अंग्रेजी के नाम है हमें हिंदी में पढ़ने, तो फ्लोरी फ्लावर से याद कर लेना, फ्लावर मतलब फूलों की खेती। एपी कल्चर, तो एपी जैसे हम बोलते हैं ना, अरे पी यार ये शहद पी ले, और वैसे भी पी करके उड़ती है मधुमक्खी, तो एपी याद हो जाएगा, शहद के लिए बोल रहा है, पीने के लिए, या पी मधुमक्खी उड़ गई, जैसे भी है। सेरी कल्चर,
सेरी, अब देखिए साड़ी जो बनती है, सेरी को साड़ी कर दिया मैंने, साड़ी, साड़ी जो बनती हैं वो रेशम की बनती हैं, रेशम की साड़ी अच्छी लगती है ना, वही रेशम कीट के पालन से याद रख लेना सेरी कल्चर, ठीक है। आगे विटी कल्चर, अंगूर की खेती, तो विटी कल्चर को याद रख लेना अंगूर की खेती से। ओलेरी कल्चर, ओलेलोरी सब्जी है ना, ओलेलोरी, ओलेरी तो आवाज़ ऐसे ही मारता है, पता नहीं क्या क्या बिकवाओगे, सब्जी भी बिकवा दी अब तो मुझसे, चलो तो ओलेरी कल्चर याद रह जाएगा। और ऑयल भी बिकता है, ऑयल गिरता है तो याद रख लेना ऑयल वाली कल्चर, तो ओलेरी, ठीक है, ऐसे याद रख लो, या जैसे भी सब्जियों में ऑयल गिरता है ओलेरी हो गया। अब एक है मेरी कल्चर, समुद्री जीवों का उत्पादन, तो ये स्पेशली कल्चर है भाई मेरी, मैं तो समुद्री जीव पालूंगा, तो समुद्री जीव भी खाए जाते हैं, उनके उत्पादन से हो गया मेरी कल्चर, मेरी, ठीक है। स्पेशली कोई आदमी कह रहा तो जीवी तो कह रहे हैं, तो जीवी तो लगाते हैं, मेरी तेरी, ठीक है, कोई ये बोर्ड थोड़ी लगाएगा भाई मेरी, मेरे पर क्यों लिख रहा। चलो आगे आरवरी कल्चर, आरवरी, आरवरी मतलब विशेष वृक्ष या झाड़ियों का से संबंधित, झाड़ियों को यहाँ काट दो या झाड़ियों को ऐसे बना दो थोड़ी सुंदर लगेगी, वो उनकी छाट छूट जो करी जाती है वही झाड़ियों से संबंधित है आरवरी कल्चर। और आगे है एक्वा कल्चर, एक्वा माने पानी होता है, एक्वा, एक्वा तो आपने सुना होगा, ठीक है, एक्वा का मतलब है पानी, तो एक्वा व्यापारिक मत्स्य उत्पादन, अब पानी मछली, मत्स्य मतलब मछली, तो एक्वा में ही पाली जाती है, और व्यापारिक रूप से पाली जाए मतलब बेचने के उद्देश्य से, ठीक है, तो वो व्यापारिक मत्स्य उत्पादन इस एक्वा कल्चर में होता है, ठीक है। जैसे वहाँ मछली पालन होता था, वहाँ नीली क्रांति में पढ़ा, यहाँ एक्वा कल्चर में भी मछली ही पढ़ा हमने, ठीक है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और बहुत अच्छी लगी होगी, दोस्तों शेयर जरूर करना, अगली वीडियो मेरा हौसला देगी मुझे ये लाने के लिए कि भाई मैं अगली वीडियो बहुत तेजी से और बहुत जल्दी ला पाऊँ। वैसे मैं कर रहा हूँ वीक में दो कोशिश कि दो वीडियो ला दूँ और बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे इस ग्रामीण परिवेश को, टेंशन मत लो, सबसे मतलब बेहतरीन तरीके से और एक मास्टर वीडियो में बहुत ज़्यादा सामग्री अगर कोई देता होगा तो यही चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट देता होगा, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।